बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, शुक्रिया। मैं तो वो कहते हैं बड़े वोकल हूँ, ये खेल तमाशा बहुत, लेकिन मतलब आप इसको अच्छी तरीके से ये थोड़ा था, ये अभी क्या समझते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, कोई इंतजामी कोई मामला है या पॉलिटिकल ये क्राइसिस है, ये आ गया है। देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब पाकिस्तानियों को अदलिया का एहतराम तो हमारे सराम, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान रन ही तब कर सकता है कि उसकी जो तीनों पिलर्स हैं ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में, वो उनके अपने अपने रोल हों और वो ठीक चले। तो अदलिया का हम दिल की अथाह करें उसे एहतराम करते हैं, लेकिन अदलिया ने माजी के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर भी किए। मसलन ये कि जो जस्टिस मुनीर ने नज़रिए ज़रूरत में एक पूरी डेमोक्रेसी को डिटेल कर, नंबर वन। नंबर टू, गुलफ़ार अली भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नसीम असलम शाह जो है उन्होंने टीवी पे आके कहा कि हम सामने आम से है, यानी इससे बड़ा फेलियर अदलिया का नहीं हो सकता। नंबर तीन, जस्टिस इरशाद जो है मुशर्रफ दौर में ना सिर्फ ये कि तीन साल की उनको रेगुलराइज कर दिया बल्कि उनको आइन को अमेंड करने की इजाज़त भी दे दी। अब ये अभी चौथा, ये जो अभी हुआ है ना रिसेंटली कि जहां आइन के 63A आर्टिकल के अंदर ये जिक्र नहीं है कि आपको वोट देने का हक आपसे छीना जा रहा है, ये पिछले डिसीजन में कोर्ट ने ये कह दिया कि जी आप वोट का वोट दे नहीं सकते, कोई बंदा भी आपको वोट देने से रोक नहीं सकता, यस उसकी पनिशमेंट्स हैं आप। तो उन्होंने जब ये कहा कि आपको वोट काउंट ही नहीं होगा, तो उससे ये नहीं, वोट काउंट होने के अलावा आप ये कह रहे हैं कि वो आइन में लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी का सरबराह वो करेगा। अभी जो इन्होंने हुक्म दिया है पीछे ये जुलाई में रिसेंटली, तो वो कह रहे हैं पार्टी चीफ, ये अभी ये पॉइंट अभी कंसिडर किया। पहली बात तो ये है कि किसी के वोट के हक को कोई भी छीन नहीं सकता, पहले आप दे सकते हैं उसकी आगे इम्प्लीकेशन जो है वो काउंट होगा वोट और आप उसकी कीमत अदा करेंगे। अभी जहाँ तक पार्लियामानी पार्टी का तल्लुक है ना, ये लोगों को बाहर तो समझ नहीं है, मैं चूँकि खुद पार्लियामेंट में रहा, अभी देखिए नेशनल असम्बली में मियाँ साहब कहेंगे सदर है कि ओके पार्लियामानी पार्टी का लीडर जनरल कयूम को बना, अच्छा नहीं आज नहीं ओके इसको ख्वाजा आसफ होगा वो बोल रहे चौधरी निसार है पार्लियामानी पार्टी, अच्छा सेनेट में कौन होगा जी राजा जफर लख साहब तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसको कर दो, मुशाहिद हुसैन सैयद को कर दो या किसी को भी वो कर दो, ये करते रहते हैं, लेकिन वो पाबंद हैं पार्टी के सदर के अहकाम के और वो सेक्रेटरी ऑफ सेकंड उनको हटा भी सकते हैं। तो इसलिए अभी मतलब चौधरी शुजात का हाथ वैलिड है, जी जी बिल्कुल 100% वैलिड है लीगली भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये फैसला पहला गलत ना होता जिसने 20 मेंबरों के हक से महरूम किया और वो फैसला अदालत ना देती, तो आज उस अदालत के फैसले में ये क्लेम ना करते कि हम वो करते, इसलिए प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचे। अब अगर चौधरी शुजात ने कहा है कि मेरा कोई नुमाइंदा नहीं है हमारी पार्टी का और अगर कोई नुमाइंदा बनेगा तरीके इंसाफ का तो मैं उसको वोट हम नहीं देना चाहता, तो इसलिए उनकी इस चीज़ की बड़ी वैल्यू है। और उसके ऊपर अगर ये 3 जजेस जो हैं ये समझते हैं कुछ डावन डोन है तो फुल कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसका सबको मंजूर होगा जो फैसला होगा। अब ये फ्री थी भी सारा सुप्रीम कोर्ट बाहर आ रहे हैं, और वो इसको इन टोटैलिटी देखे कि ये पहला फैसला क्या आया था, उस पर रिव्यू हो रहा है, उसका क्या होना है
और अभी ये जो फैसला दिया है उसका क्या है, अगर 17 जज बैठ के मेजॉरिटी भी फैसला कर देती है कि नहीं वो काउंट होंगे तो वो फिर सबको मंजूर होगा, फिर जो हुक्मरान और है कोलिशन ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान पंजाब में गवर्नर रूल लगाना है या ऐसे चला, उनके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, तो वो फिर फैसला करेंगे। लेकिन अभी कोर्ट को मेरे ख्याल है कि सारी पार्टियां अगर कह रही हैं, सारी जो है आपकी बार काउंसिल्स के एक्स सिक्स बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, तो आप फुल कोर्ट को जाते